पंच सिंह साहबाना की बैठक तो पहला हरियाणा की वक्री कमेटी के मामले में श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के साल 2011 में चुने गए मैंबर की एक हंगामी बैठक तेजा सिंह समुंदरी हाल में हुई। इस विच वक्री कमेटी बारे हरियाणा की कांग्रेस सरकार वालों चुके कदम की सख्त शब्दों के निखेधी की गई तो इसके खिलाफ संघर्ष उलीकण का भी फैसला लिया गया। इन्ना ही नहीं, इस कमेटी वालों मांग भी की गई कि नवी कमेटी की मांग कर रहे जगदीत सिंह चिंडा नलवी और होर सिखां नूं पंथ विरोधी कार्रवाइया श्री अकाल तख्त साहब के निर्देशों की पालना ना करने उत्ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं अपील की गई सी कि इन्हां नूं पंथ दे विचों छेक दिता जावे। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज दो वख-वख मंग पत्रां राहीं सिंह सभा नूं अकाल तख्त साहब जथेदार साहब अते बाकी सिंह सभा नूं अपील कीती गई है कि सिख दुश्मन कांग्रेस जमात दे ने जो पिछले दिनी कुछ पंथ दोखी सिखां नूं दे इशारे ते सिखां दी सरमौर जथेबंदी जिहदी स्थापना श्री अकाल तख्त साहब ते बैठ के होई सी उन्दे च वंडियां पा के सिखां दे धर्म नूं वंडन की कोझी कोशिश करके मैं समझदा कि अकाल तख्त साहब नूं ही नहीं जिथे समुचे सिख पंथ नूं चुनौती दिती है उत्थे अकाल तख्त साहब नूं ही चुनौती दिती है। सो इन्हां हालातां विच असीं सिंघ साहब नूं अपील कीती है, जनरल मैंबर्स ने भी ते एग्जैक्टिव कमेटी ने भी, कि उन्हां पंथ दुखियां नूं पंथ दुष्टां नूं जिहड़ा सिख पंथ चों फौरी तौर ते खारिज कीता जाए। उधर चट्ठा समेत जगदीत सिंह चिंडा ते दीदार सिंह नलवी नूं सिख पंथ विचों कढ़े जाण दे खिलाफ इन्हां तिन्हां ने अज कुरुक्षेत्र दे विच सिख संगत की बैठक बुलाई है। तिन्हां ने अकाल तख्त साहिब वालों बरखास्त किए जाण उत्ते हैरानी जताई है। उन्हां दस्सिया कि इस मामले में हरियाणा के सिखां की जो बैठक बुलाई गई उस विच अकाल तख्त साहिब के फैसले उत्ते संगत की राय ली जाएगी। उन्हां कहा कि संगत जो राय देवेगी उस उत्ते अमल किया जाएगा। जब उन्हां कोलों पुछया गया कि अकाल तख्त साहब के इस फैसले नूं गलत करार देणगे तां उन्हां इस उत्ते कोई भी टिप्पणी करन तों इनकार कर दिता है। मेरे नाल नहीं इस टाइम जी, जब से अकाल तख्त साहब का फैसला हमने सुना है उसी वक्त हमने अपनी फौरी मीटिंग अम्बाला में बुलाई है, जिसमें SGPC के मेंबर हरपाल सिंह जी पाली, सरदार संत गुरमीत सिंह जी त्रोके वाले SGPC मेंबर और हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी लोग यहां पर इकट्ठे हुए और उन्होंने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि कल को हरियाणा सिख संगत का की मीटिंग कुरुक्षेत्रा में 11 बजे बुलाई जाए और उसमें हरियाणा की सिख संगत के आगे इस फैसले को विचार करने के लिए रखा जाए और जो सिख संगत फैसला करे और उसी को अमल में लाया जाए। हम हरियाणावासी भी, हरियाणा के सिख भी अकाल तख्त साहब का पूरा आदर सम्मान करते हैं, तो इसके लिए ही इसीलिए हमने हरियाणा सिख संगत पर फैसला छोड़ा और हरियाणा सिख संगत की कल को मीटिंग बुलाई। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।